2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, तुर्क, कुशल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। भारत के प्राचीन काल का नक्शा देखा जाए तो वो दहाड़ते हुए शेर जैसा नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा भी कहते हैं। अखंड इसलिए क्योंकि समय के साथ भारत का कई बार विभाजन हुआ और ये खंड खंड में बट गया। आज अधिकतर लोग ये बात तो जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से ही अलग हुए हैं, लेकिन इनको मिलाकर कुल 20 से भी अधिक देश भारत में अब तक अलग हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अखंड भारत कैसे इतने सारे अलग अलग देशों में बटा, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अफगानिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। कम्बोज और गंधार जनपद के बाद ही अफगानिस्तान के रूप में तब्दील हुआ। एक समय पर यहाँ पर हिंदू और फारसी राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सिकंदर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। सिकंदर के बाद यूनानी और फ्रांसीसी राजाओं ने यहाँ पर राज किया। 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर हुकूमत की। सन 1750 तक अफगान के कुछ हिस्से भारत के अंतर्गत आते थे, लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान भारत से अलग होता गया। 26 मई 1876 को इसे एक बफर स्टेट घोषित कर दिया गया और 19 अगस्त 1919 को इसे ब्रिटेन से भी आजादी मिल गई। आज के समय में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और यहाँ के लोग एक बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर है। ईरान। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर ईरान को आर्यन के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। आज ईरान पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। नेपाल। 1560 ईसा पूर्व में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था और ये अखंड भारत का ही भूभाग था। यहाँ पर आर्य समाज की संस्कृति देखने को मिलती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजवंश ने यहाँ पर राज किया। नेपाल को पहले देवघर के नाम से भी जाना जाता था। भगवान बुद्ध और माता सीता का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। 11वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर ठाकुर और मल्ल राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में यहाँ पर गोरखाओं का बोलबाला रहा और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नेपाल को अपना गुलाम बना सके। 1816 में ब्रिटिशर्स ने नेपाल के बीच सुगोली की संधि साइन हुई, जिसमें भारत और नेपाल के बीच एक सीमा रेखा तय की गई। 2008 तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब नेपाल भी एक धर्म निरपेक्ष देश की श्रेणी में आता है। भूटान। भूटान में वैदिक और बौद्ध धर्म की संस्कृति नजर आती है। भौगोलिक दृष्टि से आप देख ही सकते हैं कि भूटान भारत के अंतर्गत ही आता है और अंग्रेजों के शासनकाल तक ये भारत का हिस्सा रहा। सन 1906 में ब्रिटिशर्स ने भूटान और सिक्किम को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच समझौता हुआ कि ब्रिटेन भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सन 1949 को भूटान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया, लेकिन आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही ले रखी है। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत के 16 जनपदों में से गंधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और बाद में मोहम्मद गजनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद ब्रिटिश एजेंट रॉबर्ट सेडमैन ने इसे अंग्रेजों का उपनिवेश बना लिया, लेकिन सन 1949 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। बलूचिस्तान कुल 4 रियासतों में बट गया था। पाकिस्तान के आजाद होने के बाद सन 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। तिब्बत। प्राचीन समय में तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था। यहाँ पर ऋषिका और तुषान नाम के दो राज्य हुआ करते थे। 1207 में साक्या वंश के लोगों ने तिब्बत पर राज किया। एक समय तक यहाँ पर हिंदू संस्कृति और धर्म की झलक नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जगह बौद्ध का गढ़ बन गया। 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें तिब्बत के दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा चीन को सौंप दिया गया और एक हिस्सा लामा को दे दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। मलेशिया। मलेशिया पहले मलय प्रायद्वीप के तौर पर जाना जाता था और इसके आसपास के इलाके जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस सभी अखंड भारत का भाग हुआ करते थे। यहाँ पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक हुआ करती थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा और धीरे धीरे बौद्ध और इस्लाम धर्म को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह से अखंड भारत से ये भी देश अलग होते चले गए। कंबोडिया। पहली शताब्दी के दौरान कंबोडी नाम के एक ब्राह्मण ने यहाँ पर एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कंबोडिया में ही मौजूद है, जिसे अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। समय के साथ कंबोडिया देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आगमन हुआ। आज के समय में 95% लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आज के समय में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा धर्म तो इस्लाम है, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है। आज इंडोनेशिया में 88% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में केवल बौद्ध और हिंदू धर्म ही अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी में इस्लामिक ट्रेडर्स के आगमन के बाद यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। कुछ लोग हिंदू राजाओं से परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने पैसों और रोजगार के लालच में आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, लेकिन इंडोनेशिया में आज भी कई हिंदू मंदिर बने हुए हैं। मुसलमानों ने कभी इंडोनेशिया के हिंदू मंदिरों को नुकसान नहीं पहुँचाया और आज भी यहाँ रामायण का आयोजन किया जाता है। म्यांमार। म्यांमार को वर्मा के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन काल में इस
इसे ब्रह्म देश कहा जाता था। सन 1044 ईस्वी से म्यांमार का इतिहास शुरू होता है और उस समय ये भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1287 ईस्वी में कुबुल खान ने और सन 1754 में अलांकिपाया ने म्यांमार पर राज किया। अंग्रेजों ने भी म्यांमार पर लंबे समय तक शासन किया। 4 जनवरी 1948 को भारत से अलग होकर म्यांमार ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। थाईलैंड अपने पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और आज यहाँ पर अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन थाईलैंड में हिंदू कल्चर की झलक आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ के लोग खुद को भगवान राम के पुत्र का वंशज मानते हैं। सिंगापुर भी भारत के मलय महाद्वीप का पार्ट हुआ करता था। कहा जाता है कि त्रिभुवन नाम के एक महापुरुष ने एक बार यहाँ सिंह देखा था और उन्हें वो सिंह काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने सिंगपुरा नाम का एक राज्य की स्थापना की। सिंगापुर में कई नाम संस्कृत भाषा में लिए गए हैं। 1942 से 1945 तक ये जापान के अधीन रहा और उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1948 में फेडरेशन ऑफ माल्या के बाद मलेशिया अलग देश के रूप में पहचाना जाने लगा। वियतनाम का पुराना नाम चंपा हुआ करता था। यहाँ पर कई हिंदू मंदिर बने हुए हैं और हिंदू धर्म के लोग आज भी यहाँ रहते हैं। साथ ही बौद्ध और कैथोलिक धर्म के लोग भी इस देश में रहते हैं। सन 1945 में 2 सितंबर के दिन इसे फ्रांस से आजादी मिली थी। श्रीलंका और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। रामायण काल में रावण लंका का ही रहने वाला था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ये ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1948 में इसे अंग्रेजों से आजादी मिली। सन 1972 तक इसका नाम सीलोन हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम बदल कर श्रीलंका कर लिया। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब और कैसे हुआ इस बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश के रूप में पहचाने गए। इंडिया और पाक का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। 1947 के बाद सन 1965, 1971 और 1999 में भारत और पाक के बीच 3 युद्ध हुए और तीनों ही युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बांग्लादेश, आजादी के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन सन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया और इस तरह एक नए राष्ट्र का गठन हुआ। तो दोस्तों, इस तरह अखंड भारत अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुआ। यदि भारत आज भी अखंड होता तो दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जाता। अमेरिका और रूस जैसे देश भी भारत के आकार के आगे काफी छोटे नजर आते और चीन भी भारत से टकराने के बारे में सपने में भी कभी नहीं सोच पाता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।